आप जो आप किरदार प्ले करते हैं, अगर वैसे ही कोई आपको सामने देखने को मिले तो आपको कैसा लगेगा? बहुत आनंदमय मेरा वो मुलाकात रही उनसे। और पुष्पा तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सारी देश की माओं को डेडिकेटेड है और इंस्पायरिंग है। कैसा लगा? पहले तो मैं इसका आपको उत्तर देना चाहूंगी। रोजमर्रा पे मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, 50 एपिसोड्स हम कर चुके हैं और मैं रोज के तौर पे इसको जीती हूँ, इसको फील करती हूँ, इसके संघर्षों के साथ अपने को रिलेट करती हूँ एज करुणा। और आज मैंने देखा कि मैं तो पर्दे पर इन चीज़ों को करती हूँ, जो लिख कर आता है उसको दर्शाती हूँ एज एन एक्टर, उसको अपने अंदर ढालती हूँ, लेकिन आज मैंने देखा मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली जो सच में उन्होंने इस जर्नी को जिया है। मैं ये नहीं कहूँगी वो पूरी तरह से जैसे मैं कि सेम कह दूंगी, लेकिन समानताएं बहुत ज़्यादा है पुष्पा और कल्पना जी में, कल्पना जामले जी जो आज हमें मिली थी, तो उनमें इतनी समानता है कि उन्होंने भी पढ़ाई के लिए अपने अपने को मतलब अपनी नींद को त्यागा, अपने सुख चैन को त्यागा पढ़ाई करने के लिए। वो इतनी पैशनेट थी पढ़ने के लिए जैसे पुष्पा है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनके बारे में ये चीज़। उन्होंने अपने पैशन को पीछे नहीं रखा, उसको फॉलो करने की कोशिश की, जिया दोबारा से। उनको लकीली फैमिली का सपोर्ट मिल गया, पति अच्छे हैं उनके, बाकी बाकी उन्होंने वही सब कुछ किया। 10 काम करते हुए, लोगों को खाना बनाते हुए, खिलाते हुए, ये सब करते हुए उन्होंने पढ़ाई करी है, जबकि कि उनकी कल्पना जी की एक आँख नहीं काम करती है ठीक से। उसके बाद भी उन्होंने 80% सिक्योर किया SSC एग्जाम में, आती है जो 53, इट्स कमेंडेबल। मतलब आप सोचिए ना, इट्स लाइक आप जो आप किरदार प्ले करते हैं, अगर वैसे ही कोई आपको सामने देखने को मिले तो आपको कैसा लगेगा? बहुत आनंदमय मेरा वो मुलाकात रही उनसे। जी जी ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अपना एक स्तर बनाया है, एक अपनी उन्होंने स्थान बनाया है इस इंडस्ट्री में, और उनको ऐसा अगर लगता है तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि मैं कहूँगी। तो ऐसे मोना जी ने तो ये दिखाया कि वो आई, उन्होंने हमें 3-4 दिन दिए एंड शी डिड वेरी गुड सीन्स विद मी, तो बहुत मज़ा आया हमें उनके साथ काम करके। और उन्होंने एक बहुत अहम क्या बोलते हैं किरदार निभाया इस शो में, इस कहानी को आगे बढ़ाने में, तो बहुत अच्छी बात है। हमें खुशी हो रही है कि वो इंस्पायर्ड हैं और भी लोग जैसे वो हैं तो इंस्पायर होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जो राइटर्स लिख रहे हैं, जो हम एक्टिंग कर रहे हैं, जो डायरेक्टर साहब हमें करवा रहे हैं, वो सब चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं। मतलब इससे बड़ी कोई बात ही नहीं, हम आपके लिए तो बना रहे हैं। ऑफकोर्स हम अपने लिए भी एक्टिंग करते हैं, क्रिएट करते हैं, और ऑडियंसिस का प्यार जो साथ में मिलता है सो वही हमें चाहिए, और वो मिल रहा है तो मतलब हम तो बहुत खुश हैं। और जी जी अब देखिए, मूवी सीरियल अंतर नहीं है, ये सब एक माध्यम है अपनी कहानी कहने के, चाहे टीवी हो चाहे मूवीज हो। बात अगर वही चीज़ आप उसमें दिखाएंगे तो हो सकता है कि बेटर इक्विपमेंट्स के साथ, बेटर यू नो क्वालिटी के साथ हम उसको प्रेजेंट कर पाएँ। एक बहुत बड़े पर्दे पर चीज़ों की मायने बदल जाते हैं, देखने के मज़ा आता है बड़े पर्दे पर, तो क्यों नहीं बन सकती है, किसी भी सब्जेक्ट पर फिल्म बन सकती है। और पुष्पा तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सारी देश की माओं को डेडिकेटेड है और इंस्पायरिंग है, तो अगर कोई बनाना चाहे तो जरूर बना सकता है, बनाना चाहिए, क्यों नहीं। ओ माय गॉड, अगर आप मूवीज की बात मुझसे पूछना चाहते हैं, ये इस समय आप मुझे पूछेंगे ना, इस मोमेंट में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं अभी ब्लैंक हूँ, क्योंकि मैं अभी इस किरदार को कर रही हूँ, तो मैं फिलहाल अपने को ही देखती हूँ इसमें, बाकी तो मैं अभी नहीं सोच पाऊंगी कुछ, वो तो आपको सोचना पड़ेगा। थैंक यू।